Chairman, Honorable Chairman, आज के दिन we have 1633 schools under ATC, 41 hostels, और कुछ स्कूल में 5 स्टूडेंट्स है, 3 टीचर्स है, और कोई स्कूल में स्टूडेंट्स है, टीचर्स नहीं जाते। मुझसे पहले धीरेन्द्र देवर्मा has spoken about साइकर, but this is not only in साइकर, but the Lochan has spoken. This problem is systemic. System या फिर कोई political leader को फोन करके transfer रुकवाता है, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर भी दिया है कि किसी को कहीं में पोस्टिंग करना है तो ये लोग अपने ऑफिसर्स के थ्रू बात नहीं मानते। इट इज वेरी सैड और दुख की बात है कि कुछ टीचर्स जो क्लास 10 पास है उनको आज 60,000, 70,000, 80,000 का सैलरी मिल रहा है, और हमारे जो यंग क्वालिफाइड दीपराशा बॉयज एंड गर्ल्स हैं, जिन्होंने बीए पास किया है, जिन्होंने टीएटी एग्जाम्स दिया है, आज अनएम्प्लॉयड है या फिर होली क्रॉस डॉन बॉस्को में 10,000, 12,000, 15,000 में काम करते हैं। हम लोग मेरिट को रिवॉर्ड नहीं करते हैं, हम लोग मीडियोक्रिटी को रिवॉर्ड करते हैं। दिल्ली में मैंने ये बात कहा, स्टेट गवर्नमेंट से मेरा बात हुआ, चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ, मुख्यमंत्री जी से बात हुआ। ऑनरेबल चेयरमैन, दुख का बात है कि स्टेट कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है, और सेंटर अभी तक कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस नहीं दे रहा। पदल उचन ने एक अच्छा बात बोला रिगार्डिंग एजुकेशन। आज अगर हमारा नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कल नौकरी भी नहीं मिलेगी, और मुझे अंदर से घृणा होगी। आई एम डीपली अपसेट, डिस्गस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ना ट्रांसफर रोक सकते हैं, ना स्कूल को अपडेट कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन करें तो क्या, व्हाट कैन वी डू। स्टेट गवर्नमेंट से बात करूं, स्टेट गवर्नमेंट का भी जेन्युइन रीजन है, वो कहते कि फंड्स नहीं, किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा है नहीं। सेंटर बोलता है कि पैसा देंगे लेकिन अभी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए 6 महीना कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट के लिए 6 दिन भी बहुत होता है। एंड इससे पहले संजीत ने एक बात बोला कि अनिमेश स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर, 3 साल में इपरा मोथा बीजेपी ऑपोजिशन में था, लेकिन 20 साल स्टेट गवर्नमेंट में सीपीएम था, एडीसी में सीपीएम, कैबिनेट में सीपीएम का एक मेंबर था, एडीसी में भी 20 to 28 सीपीएम, तभी भी कुछ नहीं। व्हाई? हम लोग आज के दिन कुछ नहीं कर। व्हाट इज द डेवलपमेंट फंड? ये सिस्टम को पब्लिक को जानना चाहिए। आज डेवलपमेंट फंड जिससे हमको रास्ता बनाना है, स्कूल का रिपेयर करना है, पब्लिक का सुविधा लेना है, वो डेवलपमेंट फंड को हम लोग डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सैलरी पे करते हैं, पेंशन पे करते हैं। ये फाइनेंशियल कंकरेंस कि अपना डेवलपमेंट फंड से आप लोगों को
नौकरी दो जो आपका भतीजा है, जो आपका भांजा है, मामा है, ये किसने शुरू किया? हर साल बजट पास होता है, फाइनेंशियल कंकर्डेंस के बिना स्टेट गवर्नमेंट से पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगा, लेकिन हमने बिना इंटरव्यू का, बिना रिटन एग्जामिनेशन का हमने नौकरी दिया है। वॉक इन आया, वोटर कार्ड था और नौकरी दिया। क्लास 8 को, क्लास 9 को हमने टीचर्स बनाया। आज वो लोग एक और एप्पल भी नहीं बोल सकते हैं, वो हम लोगों के बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? अगर हमको किसी यंग जनरेशन को नौकरी देना है तो पैसा नहीं है, और जो क्वालिफाइड नहीं है वो आज टीचर का काम कर रहा है और स्कूल भी नहीं जाता टाइम में। तो और अगर आज हमने बोला कि हटाओ तो आंदोलन शुरू हो जाएगा रास्ते में, तो करें तो क्या करें? इट इज फ्रस्ट्रेटिंग द सिचुएशन। लीडर्स लोग आते हैं, उस दिन बरकथाल में एक नेता ने बोल दिया कि हिंदू के हाथ में त्रिशूल होना चाहिए, आई वॉन्ट हमारे बच्चे के हाथ में कलम, लेकिन नहीं, सुदर्शन चक्र होना चाहिए हाथ में, त्रिशूल होना चाहिए, बुलडोजर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने लड़के लोग, अपने लड़कियों लोग अच्छा गाड़ी चला, ये लोग बुलडोजर का बात करते हैं, कोई त्रिशूल का बात करता, कोई कलम का बात नहीं करता। And I'm not talking as a politician, I'm talking as a Tipras. I feel hurt. Development fund हो, यहां में दिल्ली में मैंने बात किया, क्लस्टर को क्लस्टर किया जाए, स्कूल 1633 स्कूल है, दरकार नहीं इतना स्कूल। अगर 400 क्वालिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने बनाया तो नेक्स्ट जनरेशन को एक मौका मिलेगा, और जो आज क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो होली क्रॉस में, डॉन बोस्को में, जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 5,000, 10,000, 12,000 में काम कर रहे हैं, उनको आज 50,000, 60,000 का नौकरी मिल सकता है, लेकिन नहीं, हम लोगों को मेरिट को नहीं देना है चांस। रिटन एग्जाम्स में कुछ करें तो फेसबुक पे कंट्रोवर्सी होता है, इंटरव्यू में कुछ करे तो लोग चिल्लाते हैं, कोई आदमी सिस्टम को क्लीन करना चाहे तो हजार लोग एक होकर चिल्लाते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू एंड आई अर्ज कि हम लोग यहां में जितना भी बात कर ले, फंड नहीं है, वो है, ये है, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और अगर कुछ करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गिव अ स्पेशल पैकेज टू द TTAADC, कोई भी सरकार हो, सो दैट हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारें। टिल द टाइम हम लोग क्लस्टर स्कूल्स नहीं करते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स नहीं करते हैं, टिल द टाइम हम लोग क्वालिफाइड टीचर्स को चांस नहीं देते हैं टीचिंग करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है वन स्टूडेंट वन टीचर 25 स्टूडेंट्स, एडीसी में स्कूल में 3 टीचर 10 स्टूडेंट्स, 2 टीचर को ट्रांसफर करें 50 फोन आता है। आई अर्ज, यहां में ईएम है, पूरा जिंदगी तो आप ईएम नहीं रहेंगे ऑनरेबल ईएम, लेकिन लोग याद करेंगे कि आपने स्टूडेंट के बारे ज्यादा परवाह किया, वो फोन कॉल के बारे ज्यादा परवाह नहीं की। एक्शन लेना पड़ता है, और अगर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो आप फोन ही उठाना बंद कर दीजिए, लेकिन पार्टी के नाम में, वोटिंग के नाम में ये प्रेशर को लेना, वी आर कमिटिंग अ सिन, हम लोग वी आर कमिटिंग अ सिन ऑन आर नेक्स्ट जेनरेशन। ऑनरेबल चेयरमैन, दिस एजुकेशन इज वन, ये एजुकेशन अगर हमने ये सिस्टम को ठीक किया, आईडीसी मरने के बाद भी लोग बोलेंगे कि कुछ किया है, एज ऑपोजिशन, एज रूलिंग, व्हाटएवर, लेकिन हमको
लॉन्ग टर्म एक विजन होना पड़ता है। पॉलिसी क्या है, बजट क्या है, और अगर प्रेशर डालना है तो हम सबको मिलकर एक साथ प्रेशर डालना चाहिए। मैं दिल्ली में गया हूं, मैंने बात उठाया है कि अगर आप हमको 100 करोड़ दे तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको वीआरएस दे सकते हैं। जब वो लोग वीआरएस लेंगे तो हम लोग नए यंग जनरेशन को, क्वालिफाइड टीचर्स को चार्ज दे सकते। एजुकेट स्कूल, आज एडीसी में 18 स्कूल है जहां में टीचर स्टूडेंट्स नहीं। 210 करोड़ अपना डेवलपमेंट फंड से, 210 करोड़ डेप्थ, जिसके लिए आप मार्केट बना सकता है, जिसके लिए आप स्कॉलरशिप दे सकता है, जिसके लिए आप रोल बना सकता है, उसके लिए हम लोग टीचर्स का सैलरी देते हैं ओनली फ्रॉम एजुकेशन। 210 करोड़ डेवलपमेंट फंड, किसने हमको यह अधिकार दिया था कि डेवलपमेंट का मनी आप डाइवर्ट करें सैलरी के लिए? ये कोई जवाब देगा? क्यों वो टीचर्स को नौकरी मिला विदाउट रिटन एग्जामिनेशन, विदाउट इंटरव्यू क्यों मिला? सब जानते क्यों, वोट के। पिछले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया, मिसमैनेज किया, आज हम लोग सब वी आर ऑल सफरिंग। ऑनरेबल चेयरमैन, दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू, एजुकेशन इज अ वेरी सीरियस इश्यू, एंड आई थिंक दैट वी शुड फॉरगेट आवर पार्टीज एंड थिंक अबाउट आवर नेक्स्ट जनरेशन। वी शुड फॉरगेट अबाउट आवर रिलेटिव्स, भांजा हो, अंकल हो, कोई भी हो, एंड थिंक अबाउट दैट पुअर चाइल्ड जिसको आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आज अगर इनको शिक्षा नहीं मिला, कल इनको नौकरी नहीं मिलेगा, कल ये पीछे ही रहेगा। आई अर्ज दिस हाउस ऑल्सो, जो आज मैं बोल रहा हूं, मैं कल शायद नहीं रहूं एडीसी में, मुझे रहना भी नहीं, क्योंकि हाथ को बांध के, मुंह बंद करके मुझे यहां में काम नहीं करना। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो आज मैं बोल रहा हूं, अगर हम स्ट्रांग नहीं हुए, अगर हमने हमारे दिल में दया और हमारे सोच में बड़प्पन नहीं हुआ, तो हम लोग राजनीति करते रहेंगे, हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा, और हमारा सोसाइटी गरीब रहेगा तो हम नीचे रहेंगे, और हम लोग तो पूरा जिंदगी पावर में नहीं रहने वाले। दिस इज माय हम्बल सबमिशन। आई थैंक एमडीसी धीरेन, आई एम सॉरी आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया, मैंने जेडीओ के लिए कोशिश किया, सब जेडीओ के लिए कोशिश किया, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जितना भी करता हूं सिस्टम हमको काम करने नहीं देते, और इसमें किसी को ब्लेम करने का दरकार नहीं है। वी आर आवरसेल्फ्स टू बी ब्लेम, हम लोग सब इन दिस हाउस वी ऑल शुड हैंड अ हैंड शेक। यहां में कोई चेंज करने का कोशिश करता है और आप लोग हमेशा हमेशा सिस्टम को टेढ़ा करके बदला कर हमको रियल लोगों को, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको चांस दिए। कोई हमको हेल्प नहीं करने वाला, गॉड इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अस, बिकॉज आवर हार्ट्स आर नॉट प्योर, आवर थिंकिंग इज नॉट क्लियर, एंड आवर माइंड्स आर करप्टेड, एंड दिस गोज टू एवरीवन सिटिंग और आउटसाइड। मैं और ज्यादा दिन नहीं रहने वाला हूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन है, मुझे घुटन है, और जिस दिन मैं जाऊंगा आप लोगों को याद होगा कि एक आदमी सिस्टम को क्लीन करने आया था, आपने उसको ही दबा कर। लेकिन एजुकेशन इज वन, ऑनरेबल चेयरमैन, यहां में अच्छे लोग भी हैं, देर आर गुड ऑफिसर्स ऑल्सो, देर आर गुड पीपल देयर, देर आर गुड पीपल हियर, there are good people up there also. I pray, I beg to all of you, आपको मैं हाथ जोड़ के मैं बोलता हूं, बच्चे लोगों का भविष्य को बर्बाद करके
थोड़ा पैसा कमाने से यंग लोगों को, लड़का लड़की को जो क्वालिफाइड है उनका भविष्य को बर्बाद करके थोड़ा सा पैसा कमाकर आप पाप कर रहे हैं, और एक दिन ये पाप का हमको सबको भुगतना पड़ेगा, और इस पाप में मैं शामिल नहीं हूं। धीरेन्द्र, एमडीसी हैज रेज्ड अ गुड इश्यू मार्केट के बारे, वहां में विद्युत ने बोला वेरी वेल रेज, लेकिन हम लोग यही में बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के सामने हम लोग चूहा जैसा चुप हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने चूहा जैसे चुप हो जाते हैं, हम लोग सब एक संग, यहां में हम लोग सब शेर जैसा बात करते हैं, वहां में चुप होते हैं। कब तो हम लोग जाकर एक आवाज में उठने का। थैंक यू चेयरमैन, आई होप आज जो मैंने बोला है ये फिर से एक फाइल के नीचे नहर चले जाए, ये फिर से एक भाषण नहीं रहे, क्योंकि अकेला एक इंसान या दो तीन लोग नहीं बदल सकते सिस्टम। प्राइवेटली हम लोग सब अग्री करते हैं, पब्लिकली हम लोग सब डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो हो रहा है ऐसा चलेगा तो तिपरा सा का कल्याण नहीं होगा। थैंक यू सो मच, फैलाई नाम।